दोस्तों समर सेल तो चली गई लेकिन अभी भी 1000 रुपए के अंदर कोई अच्छे नेक बैंड ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो और ये नेक बैंड आप लोगों के लिए हो सकते हैं। ये है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले ज़ेब योगा 3। तो दोस्तों देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलेगा और मेरे पास दो कलर में अवेलेबल है तो दोनों कलर में आपको दिखा देता हूं कैसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसका डॉक्यूमेंटेशन, एक ही कार्ड के अंदर सब कुछ है। इसके बाद ई ट्यूब्स हैं दो पेयर और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एक चार्ज केबल, वो भी टाइप सी वाली बजट के अंदर भी। इसके बाद यहाँ पर हमारे नेक बैंड है वो कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और दोनों कलर के अंदर अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया था ब्लू और जो ग्रे कलर है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इनकी बात कर लेते हैं और बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ग्रे वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों वैसे एक ही बराबरी के हैं लेकिन मैं बात करना चाहूँगा ग्रे से। तो यहाँ पर जो उसका सबसे नेक वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर रबर और प्लास्टिक की मिक्स के साथ आपको देखने मिलता है और क्वालिटी अच्छी कहूँगा जिस बजट के अंदर आ रहे हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर बैटरी सेक्शन वाला एक पार्ट है और एक जो दूसरा पार्ट है वो कंट्रोल सेक्शन वाला है। तो बैटरी सेक्शन का वाला जो पार्ट है वो भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है और दूसरा जो कंट्रोल वाला पार्ट है वहाँ पर भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टाइप सी का इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो वायर की क्वालिटी है वो अच्छी है और यहाँ पर मतलब आपको कोई कटने वटने का जो डर है वो नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो इसके ईयरफोन्स हैं ये मैग्नेटिक टच के साथ आते हैं, बिल्ड इनकी यहाँ पर मेटल की है और साइड में यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ कर रखा है इन लोगों ने, तो कुछ ऐसी यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी इनकी बात करूँ तो फिटिंग वाइज कैसे आते हैं तो यहाँ पर मैं एक बार पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ऐसे कुछ फिटिंग आएगी आप लोगों को जब आप पहनोगे तो ऐसा कुछ लुक आएगा। ग्रे कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है और ब्लू कलर भी आप लोगों का फेवरेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, मुझे ग्रे कलर काफ़ी पसंद आया। तो ऐसे कुछ फिटिंग है कानों के अंदर। अब देख लेते हैं फीचर्स ये क्या क्या डिलीवर करते हैं हमें, क्योंकि बजट के अंदर आ रहे हैं और पैसे बताने वाला हूं कि कितने रुपए के अंदर आने ये भी। तो गाइस सबसे पहले यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिल जाती है और आपके फोन के साथ झट से पेयर हो जाते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं सॉरी, बस आपको एक बार पहले पेयर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ 17 घंटे तक का प्लेबैक टाइम है इन नेकबैंड के अंदर और यहाँ पर बता दूँ फास्ट चार्जिंग और टाइप सी का इंटरफेस भी है। अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं उनको तो लगभग 8 घंटे तक का प्लेबैक टाइम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। गूगल असिस्टेंट का जो फीचर है वो यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर अगर ड्राइवर साइज की बात करूँ तो लगभग 14 mm के जो ऑडियो ड्राइवर हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं। अब गाइस मेन मुद्दे की बात आती है कि माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है, तो यहाँ पर इनडोर और आउटडोर का आउटपुट मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा और आप सुन सकते हो कि आउटडोर का आउटपुट भी कैसा मिलेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि माइक्रोफोन का आउटपुट आपको कैसा लगा। तो गाइस ये है ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब योगा 3 के माइक्रोफोन का आउटपुट। ऐसा कुछ आउटपुट आएगा इनडोर कंडीशन में भी, मैं कमरे में बैठा हूं तो ऐसा कुछ आउटपुट ये निकाल के देंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। इसके बाद हम चल रहे तो दोस्तों ये है इसके माइक्रोफोन का आउटपुट आउटडोर कंडीशन के अंदर, तो ऐसा कुछ आउटपुट आप लोगों को सुनने को मिलेगा जब आप कॉलिंग पे बात करोगे। तो अब रही बात गेमिंग की, तो देखो गेमिंग के लिए तो ये बने नहीं है कि बजट के अंदर आ रहे हैं, कोई भी लेटेंसी का जो भी यहाँ पर सीन होता है वो कुछ भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखा और गेमिंग के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करनी है उसको कर सकते हो, वैसे कोई गेमिंग के लिए परफेक्ट तरीके से नहीं बने हुए। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसी है और कैसे यहाँ पर 14 mm के जो ऑडियो ड्राइवर हैं क्या डिलीवर कर रहे हैं। सीरियसली जब मैंने इसका ऑडियो सुना तो यहाँ पर 14 mm के ऑडियो ड्राइवर मतलब बहुत ज़्यादा सही, लाउडनेस बहुत सही है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक के शौकीन हो तो आप ज़्यादा वॉल्यूम पर सुनना, लेकिन अगर नॉर्मल आप गाने सुनते हो सॉन्ग सुनते हो तो 50% और 60% पे ऑडियो काफ़ी बढ़िया आता है। अब वहीं डिटेलिंग की बात करूँ तो कैसा ऑडियो है, तो देखो बजट के अंदर आ रहे हैं तो ज़्यादा मैं डिटेलिंग या फिर मतलब इसमें से मतलब नेट पिकिंग वाली जो बात है वो नहीं करूँगा कि मतलब ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन हाँ बजट के अंदर जैसे ऑडियो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी सरप्राइज करेगी और काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है जिस बजट के अंदर आ रहे हैं। मुझे वोकल सही लगे, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, शार्प है, क्लियर है और जो बेस क्वालिटी भी है वो भी इस बजट के हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगी। लाउडनेस जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा है, 100% पर तो इतनी ज़्यादा कि मतलब कान फटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड लगती है। 60% मैक्सिमम था मेरे लिए सुनना और 70-80% पे मतलब बहुत हिम्मत वाले लोग ही सुन पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड है और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि 100% पे सुनो। 14 mm के ड्राइवर और वो भी इन ईयर में बहुत लाउडनेस आपको प्रोवाइड करते हैं।
तो बेस क्वालिटी भी ठीक है और मतलब आपको मतलब कोई निराशा नहीं होगी, जस्ट बजट के अंदर आ रहे हैं, बहुत सही लगा मुझे। तो गाइस प्राइसिंग की बात करूं तो ये जो नेक बैंड है ये रिलायंस डिजिटल पे लॉन्च हो रहे हैं और इनकी जो प्राइसिंग है रखी गई है जो कि लॉन्च प्राइसिंग है वो है 699। तो यार अनबिलीवेबल जो प्राइस होती है ना वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, नेक बैंड वो भी 699 रुपए के अंदर ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से। फास्ट चार्जिंग है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है और माइक्रोफोन का आउटपुट आप लोगों ने सुन ही लिया, तो मैं कहूँगा यार बिल्कुल आप ले सकते हो अगर बजट के अंदर कोई नेक बैंड ढूंढ रहे हो ना कि 600-700 रुपए के अंदर, तो बिल्कुल जब ये लॉन्च हो रहे हैं तब तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद इसकी जो प्राइसिंग है थोड़ी सी इंक्रीज जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ था इन ज़ेब्रोनिक्स के ज़ेब योगा 3 के बारे में। बाकी अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर देना, अभी तक चैनल पर पहली बार आए थे वीडियो को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी और भी काफ़ी तरह के वीडियो करते हैं अगर वो नहीं देखी, जैसे स्मार्ट वॉचेस की, TWS की और भी काफ़ी तरह की और फोन वगैरह की, तो वो भी देख सकते हो यहाँ पर आ रही होंगी। बाकी ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।